आपके पास दो बीटर हैं, ये हम लोग दो बीटर ले लेते हैं और इन दोनों में कुछ जो है हम लोग वाटर ले लेते हैं। ये तो बीकर हो गए हमारे पास और इन बीकर में हम लोग बात कर लेते हैं कि बीकर में हम लोगों ने जो है वो 1 किलोग्राम वाटर डाल दिया इसमें, बल्कि इसमें 2 किलोग्राम कर देते क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, और इसमें तकरीबन हम लोगों ने 1 किलोग्राम वाटर डाल दिया। इसे कह देते हैं कि ये बीकर ए है और ये बीकर बी है। अब ये सपोज कर लीजिए कि बीकर ए में आपने जो वाटर डाला है, यहाँ पर जो आपने वाटर यूज किया है वो आपने 2 kg यूज किया है, और जो बीकर बी है उसमें जो आपने वाटर यूज किया सपोज कर लीजिए कि वो 1 kg है। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 2 किलोग्राम बीकर वाले पानी के अंदर ये 2 ग्राम आइस का पीस डाल दिया, यानी कि एक आइस का पीस है जिसका वेट जो है वो 2 ग्राम है, वो इसके अंदर डाल दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने एक आइस का पीस डाल दिया जो कि 1 ग्राम के इक्वल है, यानी कि बजाही मेरे पास 2 बीकर हैं, दोनों में जो है एक में 2 किलोग्राम पानी है और एक में 1 किलोग्राम पानी है। जिसमें 2 किलोग्राम पानी है उसमें मैंने 2 ग्राम आइस डाल दी, और जिसमें 1 किलोग्राम पानी है उसमें 1 ग्राम आइस डाल दी। अब होगा ये कि आपको मालूम है कि आइस जो है जैसे ही आप उसे वाटर में डालें तो वो जो है वो हीट रिलीज करती है और आपका जो वाटर है ठंडा हो जाता है। अगर आपको कभी ठंडा पानी पीना हो तो आप यही करते हैं कि आप सादा सा पानी लेकर अगर उसमें आइस डाल दें तो आप कुछ देर के बाद देखते हैं कि आपका पानी जो है वो काफी हद तक ठंडा हो जाता है। सिमिलरली होता क्या है कि आपका जो आइस है वो हीट रिलीज करते हैं, और हीट रिलीज करते करते वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और आइस में जो हीट मेल्ट की है या जो हीट रिलीज की है वो हीट आपके वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली है। यानी कि मुझे इस तरह से कहना चाहिए कि ये जो आपका आइस है ये हीट आपके वाटर को ट्रांसफर कर रही है, और आपके वाटर का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता घटता चला जा रहा है और आपकी जो आइस है उसका टेम्परेचर कम हो गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें, अब यहाँ पर हमारे पास 2 ग्राम आइस थी, तो इसको हीट रिलीज करने के लिए या इसका टेम्परेचर जो है वो डाउन जाने में, क्योंकि पहले गर्म वाटर था तो उसका टेम्परेचर हाई था, अब चूंकि बर्फ डालने से उसका टेम्परेचर जो है काफी लो हो गया है, तो मैं ये कहूंगी कि इस वाले बीकर ने जो है वो हीट ज्यादा रिलीज की है, T2 इसका ज्यादा, इससे ज्यादा हीट रिलीज की है कम्पेयर टू T1। यानी कि आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई इंसान जितना बड़ा होगा उतना ही वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और उतना ही हीट वो ज्यादा रिलीज भी करता है। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि लेट्स सपोज कि ये वाला जो वाटर है आपका, इसे आप कह लीजिए कि ये 2 kg है और ये वाला वाटर जो है 1 kg है, आपको इन दोनों को गर्म करना है, तो आप देखेंगे कि आपका जो 2 kg का वाटर है उसे गर्म करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, और 1 kg का वाटर चूंकि इसकी क्वांटिटी कम है वो जल्दी ही गर्म हो जाएगा। यानी कि हीट के किसी बॉडी के अंदर जाने और किसी बॉडी से रिलीज होने का जो इंतजार है या जो डिपेंड करती है बात, वो ये है कि कितनी अमाउंट है आपकी उस सब्सटेंस की और आपकी सब्सटेंस का साइज क्या है। यानी कि मैं ये कहूँ कि जो हमारे डेल्टा क्यू है, जो हीट इसने एब्जॉर्ब की या जो हीट हमारे सब्सटेंस ने रिलीज की, वो डायरेक्टली रिलेटेड है उसके मैस से, यानी कि मैस ऑफ द सब्सटेंस से, और जितनी हीट ज्यादा होती है या जितनी हीट कम होती है वो भी डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे टेम्परेचर से। यानी कि मैं कह सकती हूँ ना, जितनी हीट वो ज्यादा रिलीज करता है उतना ही उसका टेम्परेचर जो है वो नीचे गिर जाता है, और अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाना हो तो जितनी हीट हम ज्यादा देंगे तो उतना ही उसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब है डेल्टा क्यू टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्टली रिलेटेड है। अब जैसे कि आप गोल्ड और वाटर की एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर गोल्ड, गोल्ड आपको मालूम है कि वो हार्ड है, अगर आप ये कहते हैं कि आपने वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ आइस ले लिया, चले मान लेते हैं कि हम लोगों ने जो है ना कि इन द फॉर्म ऑफ आइस पीस ले लिया, या आइस का एक पीस है जिसका वेट जो है मैस जो है वो 1 kg है, क्योंकि हम मैस की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, हम लोगों ने न्यूटन तो लगाया नहीं जो हम इसे वजन के हैं, तो ये आइस है और ये हमारे पास 1 kg ऑफ गोल्ड है, गोल्ड भी सॉलिड फॉर्म में और आइस भी सॉलिड फॉर्म में। जब हम इन्हें इक्वली टेम्परेचर देंगे तो आप देखेंगे कि गोल्ड जो है वो काफी देर से मेल्ट होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और हमारा जो वाटर है या आइस है जो वो बहुत कम टेम्परेचर, वो 20 पर ही जाकर मेल्ट हो जाएगा, और जो हमारा गोल्ड है वो वहाँ 90 डिग्री सेल्सियस पे जाके मेल्ट होता है।
इसका मतलब है कि जितनी हीट हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं उसी तरह से यहाँ से टेम्परेचर भी राइज करता चला जा रहा है, और जिस तरह से हम लोग हीट दे रहे हैं वो हीट जो है वो डिपेंड कर रही है हमारे सोलर और जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट पे कि वो कितना एब्जॉर्ब करता है हमारी हीट को, क्योंकि वाटर जो है वो एज कम्पेयर टू गोल्ड है तो सॉलिड लेकिन वो जल्दी ही से मेल्ट हो जाता है, तो वो जो हीट है वो कम एब्जॉर्ब करता है, तो जब हीट कम एब्जॉर्ब करेगा तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर भी कम ही राइज करेगा। इन द सिंपल वर्ड अगर मैं ये कहूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास ये तीन लिक्विड वगैरह हैं, जितना किसी चीज़ का मास ज़्यादा होगा, जैसे कि मैंने पीछे बात की, जितना किसी चीज़ का मास ज़्यादा है उतना ही जो वो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज करेगी ज़्यादा होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका मास जो है 0.45 है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा है। इसी तरह जो है उतना उसका जो जितना किसी चीज़ का मास ज़्यादा है उतना ही वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी या ज़्यादा रिलीज करेगी। इसके अलावा जितनी हीट आप किसी सब्सटेंस को देते हैं उतना ही उसका टेम्परेचर भी राइज करता है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.45 है और उसका जो टेम्परेचर है वो 65 डिग्री सेल्सियस है, जबकि 0.35 है और उसका टेम्परेचर 81 है। इसकी वजह ये है कि इन सब्सटेंस की नेचर में भी तो फर्क है ना। जैसे कि हम लोगों ने पिछली एक इमेज में बात की, एक तरफ हमारे पास गोल्ड था और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो आइस थी, दोनों का जो वेट है या दोनों का जो मास था, जैसे कि आप ये देख सकते हैं दोनों का मास जो है वो इक्वल है, लेकिन दोनों की जो टेम्परेचर है उसमें अच्छा खासा डिफरेंस है, यानी कि हमारी जो ये हीट देने का जो हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो है उसके मास से, लेकिन ये डिपेंड भी करती है कि जो आप जिस चीज़ को गर्म कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, आया कि वो आयरन है, गोल्ड है, वाटर है, क्या चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ गर्म किया वाटर के अंदर, मे बी ये चीज़ हमारी आयरन हो, और ये वाली चीज़ है यहाँ पर हमारी ये हो सकता है हमारे पास कॉपर हो, कॉपर हो, और यहाँ पर मरकरी या कोई और चीज़ कुछ भी हो सकता है जिसे हम लोगों ने इस वाटर के अंदर डाल के जो है वो गर्म किया है। तो यानी कि ये जो टेम्परेचर में डिफरेंस है ये इसलिए आता है कि सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड करता है। जो हीट आप किसी भी सब्सटेंस को दे रहे हैं वो हीट सिर्फ उसके मास से रिलेटेड है, जितना बड़ा उसका मास होगा उतनी ही ज़्यादा वो हीट एब्जॉर्ब करेगा गर्म होने के लिए, या उतनी ही ज़्यादा वो हीट रिलीज करेगा ठंडा होने के लिए, और जिस तरह से हीट भट्टी चली जाएगी इस तरह से जो टेम्परेचर है उसमें भी इजाफा होता चला जाएगा। और अगर आपका सब्सटेंस जो है वो लिक्विड फॉर्म में है या वो कम जल्दी ही टेम्परेचर में मेल्ट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है अगर आप उसका जो टेम्परेचर है जो है वो उसका हीट जितनी आप उसको देंगे उसके मास के अकॉर्डिंग उतना ही उसके टेम्परेचर में इजाफा होगा और हीट में इजाफा होगा। यहाँ पर 0.35 kg है, हो सकता है कि यहाँ पर जो है यानी कि इसे अब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो मोलस जो हमारी डेल्टा क्यू है वो रिलेटेड करती है मैथ से, और मैथ का भी ये मैथ जो है वो डिपेंड करता है नेचर और सब्सटेंस से कि नेचर क्या है आपके उस सब्सटेंस की जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि वो कितना हार्ड है, वो कितनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा अपना टेम्परेचर राइज करने के लिए, यानी कि जो आपने हीट देनी है वो रिलेटेड करेगी उसके मैथ से, और मैथ उस बॉडी के जो है वो नेचर पे सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना हार्ड है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, वो कब तक टेम्परेचर को बियर कर सकता है, कब तक मेल्ट नहीं करेगा। और जिस तरह से आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, इस तरह से हीट बढ़ाते चले जाएंगे, यानी कि इसको नीचे से गर्म करते चले जा रहे हैं, तो उसी तरह से उसका जो टेम्परेचर है डेल्टा टी वो भी राइज करता चला जाएगा। जैसे कि अगर आप यूँ समझें, लेट्स सपोज कि आपके पास दो रॉड हैं, इसमें से एक रॉड जो है वो कॉपर की है और एक रॉड जो है इसे सपोज कर लीजिए कि ये आयरन है। अब इन दोनों का मास जो है वो इक्वल है, लेट्स सपोज कि ये 1 kg की है, ये भी 1 kg की है, तो आप देखेंगे जब आप इसे हीटअप करते हैं ना, इसे हीट देते हैं, तो हीट देने से दोनों का टेम्परेचर जो है वो राइज करता है, लेकिन जो कॉपर की जो ये आप रॉड यूज कर रहे हैं इसका टेम्परेचर आयरन की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि इसका टेम्परेचर अगर मैं कहूँ तो ये इसको लेट कर लीजिए कि ये T2 है और ये T1, इसका टेम्परेचर एज कम्पेयर टू T1 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोनों का मास तो सेम था, इक्वली हीट दे रहे थे, लेकिन इसके अलावा ये डिपेंड करती है नेचर पर भी कि जो चीज़ आप गर्म कर रहे हैं वो कितनी कैपेसिटी है, उसमें कितनी देर तक वो हीट को बर्दाश्त कर सकती है। तो इसका मतलब है बेसिकली जो मैं बताना चाह रही हूँ
ये है, अगर मैं अपनी सारी बात को समराइज करूं तो मुझे ये कहना चाहिए कि जो भी हीट में किसी भी चीज को ठंडा होने के लिए या गर्म होने के लिए दू, यानी कि जो भी हीट में किसी चीज को गर्म होने के लिए दे रही हूँ, या जो भी हीट कोई चीज अपना टेम्परेचर कम करने के लिए, अपनी हीट रिलीज करने के लिए कर रही है, और यानी कि अपना टेम्परेचर कम करने के लिए जो भी हीट रिलीज कर रही है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, वो हीट उसके मैथ से, और यही हीट डायरेक्टली रिलेटेड है टेम्परेचर से। जितना आप हीट ज्यादा करते चले जाएंगे टेम्परेचर भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो अगर मैं इसे इस तरह से लिखूं कि डेल्टा क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एम टी के, और आपको मालूम है कि जो प्रोपोर्शनैलिटी की इलामत है उसको रिमूव करने के बाद हमें इक्वल्स टू के बाद कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग सी यूज कर लेते हैं। और ये जो सी है ये मोलर स्पेसिफिक हीट हो, ये जो है ये स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट यानी कि किसी भी सब्सटेंस के कोई भी 1 kg का सब्सटेंस है तो इसके टेम्परेचर में 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितनी भी हीट आप इसे देते हैं वो हीट आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट कंसीडर की जाती है। मोलर स्पेसिफिक हीट जो है इसकी भी आगे से बहुत टाइप है, ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट है, इसके अलावा मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, और मोलर स्पेसिफिक हीट भी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर भी होती है। जैसे सपोज कि ये हमने बात की कि 1 किलोग्राम सब्सटेंस हो और उसका टेम्परेचर आपको 1 केल्विन तक इंक्रीज करना हो, तो जितनी हीट की क्वांटिटी आप उसे देते हैं वो आपकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है, यानी कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है जो आप उसे दे रहे होते हैं। लेकिन अगर ये बात कर ली जाए कि आपके पास 1 मोल है, यानी कि आपको मालूम है कि मोल जो है, जो मोल होता है यानी कि नंबर ऑफ मोल, वो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर, या जो डिवाइड बाय उसका ओरिजिनल मास होता है, एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, जो उसका ओरिजिनल मास होता है। अगर मैं ये कहूँ कि किसी सब्सटेंस के 1 मोल का, सपोज यहाँ पर हमारे पास वाटर है, तो वाटर के जो है यहाँ पर 2 मोल है, 1 मोल है, कुछ भी, अगर मैं ये कहूंगी कि 1 मोल ऑफ वाटर को इतनी हीट मुझे देनी है कि इसका जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन तक राइज कर जाए, तो जितनी हीट मैं इसे दूंगी, ये इसकी स्पेसिफिक हीट तो है, लेकिन अब इसे हम लोग कहेंगे कि ये जो है अब इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट होगी, क्योंकि अब मैंने 1 किलोग्राम नहीं बल्कि 1 मोल को हीट दी है, तो अब मैं इसे कहूंगी कि ये मोलर स्पेसिफिक हीट। इसके अलावा जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो 2 टाइप की होती है, एक जो है मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो सकती है, और एक मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो सकती है। मीन्स ये कि आप किसी चीज को इस तरह से हीट कर रहे हैं, इस तरह से उसके 1 मोल में इस 1 केल्विन का इजाफा कर रहे हैं कि उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहे। जब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब है उस पॉइंट पर, उस वक्त जो स्पेसिफिक हीट आप उसे दे रहे हैं उसे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहा जाएगा। सिमिलरली इसी तरह आप अगर किसी भी 1 मोल को, किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी चीज़ के 1 मोल को, 1 मोल का जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन तक बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट आप उसको दें, शर्त ये है कि उसका प्रेशर कांस्टेंट रखें, तो जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा 1 केल्विन तक अपना टेम्परेचर राइज करने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर, उसे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहेंगे। इसकी भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स होती हैं कि वाटर की मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, मरकरी की मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, एलुमिनियम की, आयरन की, डिफरेंट सब्सटेंस की जो है मोलर स्पेसिफिक हीट होती हैं। इसके अलावा इनकी मोलर स्पेसिफिक हीट जो है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर भी होती हैं, कॉन्स्टेंट जो है वो प्रेशर। और स्पेसिफिक हीट की एक चीज़ जो इसका यूनिट है, इसका यूनिट जो है वो इसका होता है जाउल पर केजी पर केल्विन, यानी कि जाउल पर केजी केल्विन इसका जो है वो यूनिट है, क्योंकि ये हमारे पास हीट जो है वो जाउल में दी जाती है, मास केजी में होता है और टेम्परेचर केल्विन में, तो इसे हम जाउल केजी केल्विन कहते हैं, यानी कि जाउल पर केजी केल्विन इसका जो है वो यूनिट आ जाता है। और अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर की मोलर स्पेसिफिक हीट जो है, जैसे कि वाटर की स्पेसिफिक हीट, सिर्फ स्पेसिफिक, मोलर स्पेसिफिक नहीं, वाटर की स्पेसिफिक हीट जो है वो 4200 जाउल पर केजी केल्विन होती है। इसी तरह मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं और उनकी स्पेसिफिक हीट अकॉर्डिंग टू उनके उनके जो है वो सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करती है कि उनकी स्पेसिफिक हीट कितनी है।
अगर हम मोल्स की फॉर्म में इस्तेमाल करें तो उनकी मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी है। तो ये सारा स्पेसिफिक हीट के बारे में था, तो होप सो कि आपको काफ़ी हद तक जो है स्पेसिफिक हीट के बारे में समझ आ चुकी होगी।